टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। हिंदू धर्म में दरेक व्यक्ति ना गोत्र ने खूब ज महत्वपूर्ण मानवामां आवे छे। आज ना आधुनिक समय में गोत्र विषय कदाच लोगों में जानकारी ओछी छे। आज समझिए गोत्र शू छे अने तेनु महत्व शू छे। प्राचीन भारतीय परंपरा अनुसार हिंदू धर्म की दरेक जाति ना गोत्र होय छे। हिंदू धर्म में गोत्र ने ऋषि परंपरा साथे संबंधित मानवामां आवे छे। प्राचीन समय में चार ऋषिओना नामे गोत्र परंपरा शुरू करवामां आवी हती। गोत्र एक संस्कृत शब्द छे। सामान्य रीते गोत्रनो अर्थ कुळ अथवा वंश परंपरा साथे जोड़ायेलो छे। महाभारतना शांति पर्वना एक श्लोक अनुसार ए वखते मूळ रूपे मुख्य चार गोत्र हता, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ अने रुकु। परंतु जेम जेम समय वीतो गयो तेम तेम अत्रि, जमदग्नि, अगस्त्य अने विश्वामित्र ऋषिनु नाम जोड़ाता गोत्रनी संख्या 8 थई। ए वखते शूद्र ने बाद करता बाकी तमाम पोताना नाम साथे गोत्र जोड़ता हता। बादमां शूद्रोए पण पोताना नाम साथे गोत्र जोड़वानु शुरू कर्यु। शूद्रोए जे परिवारनी लांबा समय सुधी सेवा करी तेमना गोत्रने पोताना नाम साथे जोड़ी दीधु। ए समयमां क्षत्रिय અને વૈશ્ય યજ્ઞ વખતે પોતાના પુરોહિતના ગોત્રના નામનું ઉચ્ચારણ કરતા હતા, એટલે દરેક સવર્ણ જ્ઞાતિના ગોત્રોના નામ પુરોહિતો કે બ્રાહ્મણોના ગોત્રના નામથી પ્રચલિત થયા। હિન્દુ ધર્મમાં લગ્ન પહેલા વર અને કન્યાને ગોત્ર વિશે પૂછવામાં આવે છે। એની પાછળનું કારણ મુખ્ય એ છે કે વર અને કન્યા બંને એક જ ગોત્રના ન હોવા જોઈએ। એનું કારણ એ છે કે હિન્દુ ધર્મમાં एक ज गोत्र में लग्न करवा पर प्रतिबंध है। तेनी पाछळ पण घणी बधी मान्यताओ छे। केटलाकनुं मानवुं छे कि सात पेढ़ी बाद गोत्र बदलाई जाय छे। सात पेढ़ी थी एक ज गोत्र चालतुं होय तो आठमी पेढ़ी समान गोत्रना व्यक्ति साथे लग्न करे तेना पर विचार करी शकाय। जो के तेना पर हजु पण घणा लोकोनी मान्यता सरखी नथी।